ओबीसी समाज का 56 साल के बाद मुख्यमंत्री विनोद बैरागी नायब सैनिक मुख्यमंत्री बनने पर लड्डू बांट कर जताई खुशी। राय रेस्ट हाउस में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि उन्होंने ओबीसी समाज का 56 साल के बाद मुख्यमंत्री दिया है। सभी जिला सोनीपत के कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांट कर खुशी मनाई एवं लोकसभा की सभा 10 सीटों पर कमल खिलाने का संकल्प लिया। विनोद बैरागी ने कहा, मनोहर लाल ने एक संत के रूप में 24 घंटे की प्रदेश की सेवा की है। इस मौके पर एक दूसरे को गुलाल लगाया गया और ढोल नगाड़े बजाने के बाद लड्डू बांटे गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष विनोद बैरागी ने की। मैं केंद्रीय नेतृत्व और माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाया, और मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। सोनीपत का सारा युवा मोर्चा, जिसमें महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा और किसान मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, सभी ने मिलकर उनके मुख्यमंत्री बनाए जाने की खुशी में यहाँ पे लड्डू बांटे हैं और ढोल बजाए हैं, और इसी खुशी में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। पहले तो केंद्रीय नेतृत्व का आदरणीय नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाने पर हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, बधाई देता हूँ नायब सिंह जी का। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर आयोजित की गई है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।